तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की एक कमाल की हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं एक बहुत ही यूजफुल आपको हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही काम का है। क्या ये हिडन फीचर, कैसे उसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, ये जो हिडन फीचर है ये है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के ऊपर, या फिर अगर आप इंटरनेट बीटा ब्राउजर यूज कर रहे हो तो दोनों पे ये काम करेगा, पर सैमसंग के ब्राउजर पे ही काम करने वाला है। तो लाइक मैंने यहाँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर खोल लिया है और कुछ भी मैंने यहाँ पर ब्राउजिंग कर रखी है। मान लो आपने भी कोई वेबसाइट खोल ली है या फिर कोई उसमें कुछ आपने कुछ देख रहे हैं, उसमें से आपको स्पेसिफिक्स मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये मुझे ये वाला जो लाइन है या फिर मुझे यही वाली लाइन मुझे अपने किसी दोस्त को शेयर करना है और साथ में मुझे इस वेबसाइट का लिंक भी शेयर करना है। अगर आप लिंक शेयर करोगे तो पूरा ही डेटा चले जाएगा, बट आप खाली ये शेयर करना चाहते हैं और साथ में लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप इस फीचर का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। कैसे, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, जैसे भाई मैंने ये दो लाइन तीन लाइन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर एक आपको एक अलग से ऑप्शन मिल रहा होगा एड टू नोट्स का, आप देख रहे हैं यही है। अगर आप यहाँ दूसरी वेबसाइट पे या फिर दूसरे ब्राउजर पे होंगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ एड टू नोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा नोट पे, एक वहाँ पर पॉपअप खुल जाएगा, आप देखेंगे ये पॉपअप खुल गया है और ऊपर जो मैंने लाइन सेलेक्ट करी थी वो आ गई है और ऊपर आप देखेंगे पूरी वेबसाइट का लिंक आ गया है। तो आप ये किसी को शेयर करेंगे यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाके, तो आप देखेंगे तो आपको शेयर करने के लिए करना क्या है, यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर करना है शेयर पे क्लिक, शेयर एज आपको सैमसंग नोट्स फाइल करना है, पीडीएफ भी नहीं करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं करना और कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर नोट्स फाइल पे ही सिलेक्ट करना है। अगर आप नोट्स फाइल नहीं करेंगे तो वो लिंक नहीं जाने वाला। तो इसको शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सअप खोल लेना है, व्हाट्सअप पे आने के बाद आपको जिसको शेयर करना है, तो मैंने अपने आपको ये शेयर कर दिया, तो आप देखेंगे ऐसा एक इंटरफेस जाएगा, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो शेयर करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे वो आपको ऐसा ही दिखने वाला है, मतलब कि ऐसा नहीं दिखेगा, वहाँ पर नीचे लिंक आ जाएगा और ऐसे पूरी डिटेल आ जाएगी और साथ में आपको वहाँ पर ऐसा दिखेगा। अगर आप पीडीएफ में या वर्ड में भेजेंगे तो वहाँ पर लिंक नहीं जाएगा, सिंपल वहाँ पर टेक्स्ट ही जाएगा। तो आपको सैमसंग नोट्स फाइल करके ही भेजना पड़ेगा जिससे वो इजीली कहीं भी शेयर कर, मतलब कहीं भी डायरेक्टली ओपन कर सके। तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे शेयर पे या सैमसंग नोट्स फाइल पे, नोट्स फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सअप पे अगर भेजना है तो व्हाट्सअप पे जाके सिंपली आप यूं सेलेक्ट करके भेजेंगे तो वो चले जाएगा, सिंपल वहाँ पर ओपन करेगा तो वहाँ पर नोट्स फाइल के रूप में ही ऑप्शन होगा और वहाँ पर उसको लिंक और डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। तो कमाल की बात यह है कि आप वहां पर किसी को हाइलाइटेड टेक्स्ट भेज सकते हैं और साथ में लिंक भी भेज सकते हैं कि भाई हमने ये चीज यहां पर पढ़ी है, आप भी आप यहां जाके ये पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो थैंक यू।